हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एडेनियम की साइड ग्राफ्टिंग कैसे करें उसके बारे में देखेंगे। चलो तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ब्रांच ले लेंगे, मतलब कि एक ब्रांच जिसमें हमें ग्राफ्टिंग करनी है और दूसरी ब्रांच जिसमें हमें ग्राफ्टिंग का पार्ट लेना है। तो आप घर पे प्लांट हो तो उसमें से भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ब्रांच ली है। तो आप इसी तरह दो ब्रांच ले लीजिए और एक ब्रांच जिसपे हमें ग्राफ्टिंग करनी है तो ऊपर और नीचे दो भाग हम काटेंगे जिस तरह हमें ग्राफ्टिंग करनी है, और ग्राफ्टिंग की जगह हम छेद लगाएंगे, दो तरफ से काटेंगे, ऊपर से और नीचे से और साइड से भी, ताकि उसकी जो छाल है वो अच्छी तरह से निकल आए। आप देख सकते हैं मैंने यह दोनों तरफ ऊपर नीचे और साइड से काट लिया, ताकि वो चमड़ी है, इसकी छाल है, स्टेम से आसानी से निकल आए। आप अच्छी तरह से काटें ताकि इससे कोई डैमेज ना पहुंचे। अगर डैमेज पहुंचेगा तो ये आपकी साइड ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगी और फेल हो जाएगी। तो आप इस तरह ये पार्ट काट लीजिए और अंदर से ये आसानी से इस तरह आप चाकू कटर या ब्लेड ले सकते हैं, आसानी से निकल आए। इस तरह ध्यान रखें अंदर से कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इस तरह इसे आप निकालें। अगर डैमेज हो गया, कुछ डस्ट लग गई, तो ये फेल हो जाएगी। तो आप इस तरह काट लीजिए, कोई भाग रह जाए तो उसे आप चाकू या कटर से काट सकते हैं। अब ये काट लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो दूसरी ब्रांच लेंगे जिससे हम एक ग्राफ्टिंग का पार्ट लेना है। ये हमने काट लिया और अब दूसरी ब्रांच लेंगे। अंदर से कोई इसमें डस्ट नहीं लगना चाहिए पहले तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो दूसरी ब्रांच लेंगे। ये दूसरी ब्रांच ले ली तो उसमें से हमें ग्राफ्टिंग का पार्ट लेना है। तो बड़ी सावधानी से लेना है क्योंकि ये हमारा पौधा तैयार करेगा। तो आप एक ही पौधे पर दो टाइप के फूल एडेनियम के ला सकते हो, किस तरह से साइड ग्राफ्टिंग का सहारा लेके। तो इसमें से जो आँख होती है उसमें से हमें नई शूटिंग निकलेगी और उसमें से नए फ्लावर आएंगे। तो इस तरह ही आप बाग पहले हमने काटा उसी तरह ही काटना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसे अंदर से डैमेज ना हो। देख लीजिए मैंने उसी तरह ही ये बाग काटा और एक समान काटा है, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, ताकि दोनों तरह की स्टेम पे ये चमड़ी छाल अच्छी तरह से चिपक जाए और हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाए। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे इस पे स्टैम्प पे रख दिया। ये स्टैम्प पे रखने के बाद हमें क्या करना है, तो एक प्लास्टिक की पट्टी लेनी है। ये मैं बाग आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ से हमारी फ्रूटिंग होगी, मतलब कि नई ब्रांच निकलेगी। तो वो बाग हमें खुला रखना है, बाकी का बाग हमें प्लास्टिक या किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं, पर ये प्लास्टिक की पट्टी अच्छी है, ताकि आप उसमें जो जोर लग जाए तो आप देख सकते हैं लगभग दो महीने तो इसमें लगेंगे। तो मैं आपको ये फ्रूटिंग भी दिखाऊंगा, पर ये पहला पार्ट है हमारा, तो ये आप कंटिन्यू बने रहे तो आपको लास्ट तक पता चलेगा किस तरह बांधना है। तो आप इस तरह बांध दीजिए और जो हमने दूसरी ब्रांच हमने कटिंग ली है उसको भी हम बांध लेंगे। जो हमने यहाँ पर बाग काटा था उसको भी हम बांध लेंगे, ताकि हमारी दो कलमें तैयार हो जाएं, ग्राफ्टिंग तैयार हो जाए। आप इसी तरह ये प्रयोग आप घर पे कर सकते हैं और ये कलम हमारी 99% सक्सेस होगी। अगर आपको एडेनियम ग्राफ्टिंग का वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप देख ले, वो भी हमें सक्सेस रिजल्ट के साथ दिखाया है। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहे, आपको जानकारी देते रहे। थैंक यू।